आज मेरे साथ हैं शांतनु गुप्ता। बहुत अच्छी बात है कि नोएडा में इनके बारे में जानकारी मिली। मैं उत्तर प्रदेश के चुनावों के सिलसिले में, जैसे कि लगातार खबरें भी आप वेब दुनिया पर देख रहे हैं, यहाँ पर हूँ और मुझे पता लगा कि इन्होंने उत्तर प्रदेश को लेकर, वहाँ यहाँ के 15 सालों के विकास को लेकर एक किताब लिखी है। तो शांतनु जी ने एक्सलराई से पढ़ाई की है और उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर किताब लिखी है, मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। तो इनके साथ एक छोटी सी यात्रा हो रही है, इस यात्रा में ही हमने सोचा कि इस किताब के बारे में बात करें और शांतनु जी को और जानें। शांतनु जी, वेब दुनिया की ओर से आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। शांतनु, आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं और ये बताएं कि ये किताब का ख्याल कैसे आया, इस पर किस तरह की मेहनत हुई है। जगदीश जी, मैं उत्तर प्रदेश में, मेरा जन्म हुआ बरेली में। मेरे पिताजी मुरादाबाद के हैं, माताजी रामपुर की हैं। हमारा लालन पालन जो बढ़ना हुआ, कुछ मुरादाबाद में हुआ, कुछ रामपुर में हुआ और कुछ ऋषिकेश में हुआ, जो समय यूपी में आता था। पढ़ाई पंतनगर में हुई, फिर हम और पढ़े, एक्सलराई जाके एमबीए करा। भारत में मैं बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ काम करता रहा। रिसर्च में मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा है। आज जैसे हमारे राजनेता कहते हैं कि भारत की जनसंख्या में 60% आबादी 35 साल से कम है, अब उस आबादी का लक्ष्य क्या है? उस आबादी को एक जॉब चाहिए, उस आबादी को एक अच्छा जीवन चाहिए। जॉब के लिए क्या चाहिए उसको? जॉब के लिए तीन चीजें रिक्वायरमेंट है मेरे हिसाब से। एक अच्छी शिक्षा चाहिए और कंपनी चाहिए, दो चीजें हैं। कंपनी मतलब जहां पे जॉब लग सके, व्यापार हो, इंडस्ट्री हो। अब इंडस्ट्री को क्या चाहिए? इंडस्ट्री को अगेन ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, इंडस्ट्री को लॉ एंड ऑर्डर चाहिए कि वो आराम से अपनी इंडस्ट्री चला सके। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट घटक है वो है सड़क और बिजली। सड़क और बिजली, एक राजनेता बहुत कहते हैं सड़क सड़क बिजली, लेकिन इंडस्ट्री को भी सड़क और बिजली बहुत जरूरी चाहिए। तो ये सारे घटक उत्तर प्रदेश में इनका अभाव है। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ शिक्षा से। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा, जो असर एक रिपोर्ट है पिछले 10 साल से आ रही है, उसका आंकड़ा कहता है कि उत्तर प्रदेश के 5वीं क्लास के 50% बच्चे दूसरी क्लास की हिंदी भी नहीं पढ़ पाते हैं। 5वीं क्लास के 50% बच्चे दूसरी क्लास के मैथ्स के जो चार ऑपरेशन है, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, वो भी नहीं कर पाते। और ये वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, मैं स्कूल के बाहर बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल शांतनु आपको एक बात के लिए टूटना चाहूंगा कि मुझे लगता है शिक्षा को लेकर कमोबेश यही स्थिति पूरे देश में है। कुछ अपवाद है, एक दो राज्य, केरल छोड़ दीजिए, दक्षिण भारत के एक दो राज्य और छोड़ दीजिए, मध्य प्रदेश का यही हाल है, गुजरात के कुछ स्कूल छोड़ दीजिए, गुजरात में भी कुल मिलाकर शिक्षा की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो ये केवल उत्तर प्रदेश अपवाद नहीं है, शिक्षा के मामले पढ़ाई हो रही है लेकिन बच्चों को आता कुछ नहीं है। आप ठीक कह रहे हैं कि शिक्षा के आंकड़े हर जगह ज्यादा है, उत्तर प्रदेश उनमें भी और नीचे, उनमें भी और नीचे। आपने किताब में ये सब किताब में आंकड़े मैंने दिए और स्टेट से कंपैरिजन भी किया है। अब आते हैं उच्च शिक्षा में। उच्च शिक्षा में यहाँ पे जो उच्च शिक्षा को गवर्न करती है वो है यूपीटीयू, यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। उसमें 50% सीटें खाली रहती हैं। उसमें नोएडा के एरिया में जो कॉलेज है उसमें जॉब लग जाती है, बाकी कहीं जॉब नहीं लगती। उसका नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी कर दिया गया, क्योंकि आजकल एपीजे अब्दुल कलाम की लेगेसी को हथियाने का भी एक होड़ लगी है, लेकिन उसमें और कुछ नहीं हुआ। तो इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था है। स्वास्थ्य में आते हैं तो स्वास्थ्य लार्जली वेलफेयर पे चल रहा है। एनआरएचएम जैसी स्कीमें हैं, पिछली सरकार में आपने देखा सीएमओ की हत्याएं हुई और 8,000 करोड़ का घोटाला हुआ। उस घोटाले में देखेंगे तो मतलब आपको लगेगा कि घोटाला करने में भी अकल नहीं लगाई। उसमें जब कैग की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो बिल लगाया गया जिस टैक्सी का, वो डीएम की लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। अच्छा, एक एक औरत को एक साल में 3 बार प्रेग्नेंट दिखा के पैसे ले लिए गए, मतलब इतने निहायत दर्जे की उसमें आपको। और ये पिछले 15 सालों में हुआ, ये कैग की रिपोर्ट है मायावती के पहले जब एनआरएचएम का घोटाला हुआ। अच्छा, फिर हम आते हैं बिजली पे। बहुत ही इम्पोर्टेंट घटक है किसी भी प्रदेश के आगे बढ़ने का। बिजली नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के विकास को आपने किस तरह अध्ययन किया, अलग अलग क्षेत्र? हाँ, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद मैंने कम से कम इसमें 170-180 आरटीआई डाली। मैं उत्तर प्रदेश की कम से कम 17-18 जिलों में, हर क्षेत्र के जिलों में गया, अवध रीजन में गया, पूरब में गया, पश्चिम में रहा, अलग अलग क्षेत्रों में गया, सरकारी अधिकारियों से बात करी, अलग अलग राजनेताओं से बात करी, उसके बाद इस पुस्तक को छापा। इस पुस्तक को ब्लूम्सबरी ने छापा है, जो एक विश्व का बहुत बड़ा पब्लिकेशन है। इसने कई नोबेल पुरस्कार विजेताओं की किताबों को पब्लिश किया है और क्लासिक हैरी पॉटर सीरीज को भी पब्लिश किया है। ये बताइए कि क्या पाया आपने, ये किताब का सार क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश में अभी लगातार बसपा सपा की सरकार बनती रही और अभी फिर चुनाव सामने है, एक दौर का मतदान भी हो चुका है, तो आपकी किताब क्या कहती है उत्तर प्रदेश की हालत को लेकर? देखिए, अगर आप किताब पे कैमरा लगाएं तो किताब का टाइटल है उत्तर प्रदेश विकास की प्रतीक्षा में। और ये किताब ये खोज करती है कि उत्तर प्रदेश में जितना विकास हो सकता था क्या वो हुआ है। उत्तर प्रदेश में जगह पोटेंशियल बहुत है। उत्तर प्रदेश केवल 5 ऐसे देश हैं, मैं राज्य नहीं कह रहा हूं, मैं देश कह रहा हूं, 5 ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज्यादा है।
तो उत्तर प्रदेश विश्व का छठा सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के मामले में, तो माने कि उसमें ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्स बहुत है। भारत की आबादी में उत्तर प्रदेश 16.5% कंट्रीब्यूट करता है और जीडीपी में मात्र 7.5-8% कंट्रीब्यूट करता है। इससे आपको पता लगता है कि उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में से दोहन करता है, ना कि उसको देता है। और ऐसा ही आंकड़ा आपको बिजली में मिलेगा, ऐसा ही आंकड़ा आपको अस्पताल की बेड में मिलेगा, ऐसा ही आंकड़ा आपको इंजीनियरिंग की सीटों में मिलेगा कि जितना वो पॉपुलेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं उससे आधा ही वो देश को दे पाते हैं। एक तो बिजली और पानी में आपने कहा कि हालत बहुत अच्छी नहीं है, सड़कों की लेकिन स्थिति सुधरी है और अभी चुनाव के ठीक पहले इतने बड़े कॉरिडोर का उद्घाटन किया है अखिलेश यादव ने, तो सड़कों की स्थिति कुछ बेहतर है। उत्तर प्रदेश में करीब 7-8 हजार किलोमीटर का स्टेट हाईवे है और उतना ही 7-8 हजार किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। अगर आप देखें तो ये जो एक्सप्रेस हाईवे जो खोला गया है इसकी लंबाई है वो 165 किलोमीटर है। सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय एक दिन में 110 किलोमीटर सड़क बना रही है और ये टोटल 165 किलोमीटर 5 साल लगे हैं, तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। आप अगर उस एक्सप्रेस वे में गए हो तो अभी तक वो ढंग से कमीशन नहीं, अभी तो चालू नहीं किया आम जनता के लिए, आपने अभी चालू उसका कुछ स्ट्रेच हो गया है, आपको 4 बार इधर से नीचे उतरना पड़ता है, 4 बार उधर से नीचे उतरना पड़ता है। तो ये जो दो बड़े वादे हैं 165 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे और 6 किलोमीटर की मेट्रो, ये दोनों ही कमीशन नहीं हुआ अभी तक। तो आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा कुछ कर सकती है? देखिए अभी अगर और राज्यों से कंपेयर करा जाए तो उनके सूचकांक और राज्यों से अच्छे हैं, तो अभी कहा नहीं जा सकता उसे कोई सरकार कैसे करेगी, लेकिन और राज्यों से देखा जाए तो सूचकांक काफी अच्छे हैं। एक हम अभी उत्तर प्रदेश की ही नोएडा की सड़कों से गलियों से गुजरते हुए निकले हैं और आपकी किताब में एक अध्याय नोएडा पे है, केवल नोएडा की क्या स्थिति हो रही है जी? नोएडा में मैंने असली अध्याय, तो मेरा नोएडा में कार्य क्षेत्र ज्यादा है, नोएडा में 3-4 बड़ी मजेदार चीजें हैं। मैंने चैप्टर का नाम रखा है नोएडा में लोकतंत्र का किस तरह हनन हो रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा के कुछ एरिया मिला के यहाँ की जनसंख्या करीब 10 लाख आती है। नोएडा भारत का ऐसे सबसे बड़ा अर्बन क्षेत्र है जहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं है। अभी बड़े अचंभे की बात है, यहाँ पे नोएडा अथॉरिटी पूरे नोएडा को रूल करती है। नोएडा में 80% जो एरिया है, जो जनसंख्या है, वो रेजिडेंशियल कमर्शियल है और मात्र 20% इंडस्ट्रियल है। तो जब केवल 20% इंडस्ट्रियल है तो उसको इंडस्ट्रियल अथॉरिटी क्यों गवर्न करती है? इंडस्ट्रियल अथॉरिटी केवल उतने इंडस्ट्रियल एरिया को गवर्न करे, बाकी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होनी चाहिए। अब आपको लगेगा कि ऐसा क्यों है? यहाँ पे इस साल तक भी, इस साल मतलब 2016 के शुरू तक भी यहाँ पे करीब 100-150 गांव हुआ करते थे जो गांव की परिभाषा में आते ही नहीं थे। बड़ा मजेदार था कि सेंसस ऑफ इंडिया 2001 के सेंसस से उनको गांव नहीं कहता था, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार, दोनों सरकारें इसको गांव कहती थी। उनका गांव कहने में निहित ये था इससे गांव के नाम पे कुछ लोकल प्रतिनिधित्व बनाया जा सके और म्युनिसिपल को दूर रखा जा सके। रैंकिंग में देखा कि उत्तर प्रदेश 10वें पायदान पे था, वहां से ये खोज शुरू हुई कि अगर बिजनेस में बुरा हाल है तो और क्षेत्रों में क्या है, शिक्षा में क्या हाल है, उच्च शिक्षा में क्या हाल है, स्वास्थ्य में क्या हाल है, सड़कों में क्या हाल है, यहाँ के युवा अगर रोजगार में क्या हाल है। हमें पॉलिटिकल जार्गन्स और पॉलिटिकल रिटोरिक तो बहुत सुनने को मिलता है, लेकिन क्या डेटा कहता है, क्या स्टेट के खुद की आरटीआई कहती हैं, क्या उनका खुद का डेटा कहता है? तो आज हमने शांतनु गुप्ता जी से उनकी जो उत्तर प्रदेश पर लिखी हुई किताब है उसके बारे में बात की है। उन्होंने विस्तार से बताया है कि कैसे 15 सालों में विकास के हर स्तर पर उत्तर प्रदेश लगभग पिछड़ा हुआ ही है। और दरअसल ये सभी के लिए सोचने वाली बात होती है कि उत्तर प्रदेश जो राजनीतिक रूप से इतना महत्वपूर्ण है, जहां से इतनी हलचल होती है, जहां से कई प्रधानमंत्री इस देश को मिले, जहां की हर हलचल देश को प्रभावित करती है, उसके बावजूद भी राज्य की खुद की स्थिति अभी तक इतनी मजबूत क्यों नहीं हुई है, ये सोचने वाली बात है। और उत्तर प्रदेश के इन चुनावों के वक्त आने वाली ये किताब निश्चित तौर पर सभी को तथ्यों और आंकड़ों को जांचने में मदद करेगी। हमसे बात करने के लिए हम शांतनु गुप्ता के आभारी हैं।